हेलो बच्चों, अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले जो अपन ने डिस्कस करा था प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड था बाय अल्कोहल के द्वारा फॉर्मेशन करा था। अल्कोहल के द्वारा अपन ने मल्टीपल रिएक्शंस के द्वारा आरएक्स का फॉर्मेशन किया था, अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद ये थर्ड मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स। इसमें जो रिएक्शंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर कितनी रिएक्शंस होती है जिनको अपने को डिस्कस करना है, तो वो उनमें रिएक्शंस है जिसमें इसमें दो रिएक्शन इसमें इंक्लूडेड होती है। पहली है जिसमें रिएक्शंस करेंगे CH4 के द्वारा, CH4 के द्वारा जिसे मिथेन बोलते हैं, मिथेन के द्वारा रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो CH4 के द्वारा अपन कैसे रिएक्शंस करते हैं, तो ये जो रिएक्शंस होता है हेलोजिनेशन Cl2 की रिएक्शंस करवाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ HNO, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे, और इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा 520-670 केल्विन रिक्वायर्ड होता है। और जो इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन के साथ ये रिएक्शंस करेगा इन दिस पोजीशन, मिथेन के कार्बन की जगह पर, सॉरी हाइड्रोजन की जगह पर रिप्लेस करके CH3Cl का फॉर्मेशन करेगा। ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है, लेकिन ये जो है मल्टीपल रिएक्शंस है, तो मल्टीपल का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप में जो क्लियर होंगे। Cl2HNO के साथ फर्दर रिएक्शंस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें वापस से इस पोजीशन पे रिएक्शंस करेगा। इसमें से एक जो क्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ निकल के HCl बाहर करेगा, और एक जो क्लोरीन है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट, CH2Cl2। क्लोरीन की क्वांटिटी जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ती जाएंगी, और H2 जो एक HCl के साथ रिमूव होके HCl बाहर हो रहा है, और एक जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिमूव होते जा रहे हैं और क्लोरीन ऐड होते जा रहे हैं। फर्दर रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO। सिमिलरली जैसे यहाँ पे रिएक्शन तो ये वाले भी होंगे। यहाँ पे एक क्लोरीन हाइड्रोजन साथ बाहर निकल के HCl बाहर करेगा। और एक जो क्लोरीन है यहाँ पे ऐड होके CH3Cl3 का फॉर्मेशन। सिमिलरली इसको वापस से रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके HCl बाहर करेगा, और एक क्लोरीन के साथ जुड़ के CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अब इस रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके नाम क्या क्या है, तो इसमें ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है मिथेन, मिथेन। इसके बाद जब एक क्लोरीन रिमूव होकर बाहर निकला तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन इसका प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली जब यहाँ पे रिएक्शंस करा तो दो क्लोरीन हो गए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम डाइक्लोरोमिथेन। इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन क्वांटिटी 3 हो गई, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राइक्लोरोमिथेन, या फिर इसका एक ऑफिशियल एक और नेम है क्लोरोफॉर्म। और इसके बारे में अपने शुरू में जैसे चैप्टर करा था कि CH3 की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे एक और नाम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म। तो इसके बेसिस पे ही यदि एक्स की जगह पर क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं तो प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म, या फिर इसका जो नाम बनेगा वो क्लोरोफॉर्म बनता है। सिमिलर अब ये जो है CCl4, CCl4 का नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये जो ओवरऑल रिएक्शंस होती है ये किस टाइप की रिएक्शंस है, तो याद रहे ये जो ऑल रिएक्शन है या दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है CH4 के द्वारा जो CCl4 का फॉर्मेशन किया जाता है मल्टीपल स्टेप से, तो वो कौन सी रिएक्शंस के अंतर्गत आता है? तो याद रहिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस के अंतर्गत ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। ओके, अब इसके बाद इसकी जो सेकेंड रिएक्शंस है या जो बी रिएक्शंस है वो किस टाइप से रिएक्शंस करेगा? तो इसमें जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं CH2 CH2 CH3 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। ओके, हैलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक जो कंपाउंड है दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो रहेगा सिंगल के लिए और ये मल्टीपल के लिए। ओके, जब इस टाइप के कंपाउंड का क्लोरीनेशन करते हैं तो Cl2 लिया और HNO के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे। तो ऐसे केस में हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक आइसो प्रोडक्ट होता है और एक चैन फॉर्म स्ट्रक्चर्स होता है। तो CH3CH यदि एक बार क्लोरीन ये बीच में यदि ये क्लोरीन एक बार इस पोजीशन पर अटैक करेगा और दूसरी बार जो है वो सेकंड नंबर की पोजीशन पर अटैक करेगा, तो यदि वो अल्फा के साथ अटैक करता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, और यदि वो बीटा के साथ करता है इस पोजीशन पर अटैक करेगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले इस ये बीटा पोजीशन पर अटैक करवाते हैं तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ओके, जब वो अल्फा पोजीशन यहाँ पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl बनाएगा। ओके, तो ये जो है ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को अपन कहते हैं क्या बनेगा, ये वन डिग्री रेडिकल है और ये जो है प्रोडक्ट है 2 डिग्री रेडिकल प्रोडक्ट है। ओके, तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो याद रहे इसमें आइसो प्रोडक्ट जो रहता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी बनता है 55% में बनता है 55% में बनेगा, और ये वाला जो रहता है वो 45% बनता है प्रोडक्ट। ओके, तो ये दो है जिससे प्रोडक्ट का हैलोजन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड में दो बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से रिएक्शंस होती है। यहाँ पर जो क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन का भी यूज़ किया जा सकता है, तो आप याद रहे ये रिएक्शन Cl2 और Br2 की Br2 के साथ रिएक्शंस करवाई जाती है। ओके, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स के साथ जो रिएक्शंस का प्रोडक्ट बनेगा उनकी जो रिएक्टिविटी रहेगी सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो दो है हैलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड के दो प्रोडक्ट है। चलिए अब दूसरा जो देखते हैं उसके साथ देखते हैं, अभी जो देखा उसके बाद है, उसके बाद जो रिएक्शंस कराएंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। ओके, नेक्स्ट जो है वो कौन सी मेथड हो जाएंगे, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज है। अब इस हैलोजन एक्सचेंज में आयोडीन को रिप्लेस करते हैं, तो इसमें आयोडीन को जिसको रिप्लेस करेंगे वो कैसे रिएक्शंस करेंगे? जैसे एग्जांपल लेते हैं RBr। ओके, अल्काइल ब्रोमाइड लिया, इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट के साथ रिएक्शंस कराएंगे। तो इस रिएक्शंस में जो हैलोजन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो आयोडीन इस पोजीशन पे और Br इसके साथ बना लेगा और Ri प्लस NaBr बनता है। ओके, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। और इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शंस का स्पेसिफिक नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो आयोडीन है
वो बेटर न्यूक्लिफाई है, इज बेटर न्यूक्लिफाई, दिखाता है। ओके, तो ये सिंपल टाइप की रिएक्शंस होती है जो हेलोजन एक्सचेंज होती है। यदि हमें आयोडीन की जगह पर यदि हमें फ्लोरीन को एक्सचेंज करना है, कि जैसे हमें जो प्रोडक्ट है आयोडाइड, जैसे इससे पहले वाली रिएक्शंस में क्लोरीन और ब्रोमीन का फॉर्मेशन करा, इस मेथड में क्या एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करा, लेकिन अभी तक अपन ने जिसमें फ्लोरीन का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शंस को नहीं देखा। तो उन रिएक्शंस को देखने के लिए जो एक ही होती है जिसको फ्लोरीनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोरीनेशन कहा जाता है। तो फ्लोरीनेशन सिर्फ एक ही मेथड के द्वारा पॉसिबल होता है, वो है सॉल्ट्स मेथड, सॉल्ट्स रिएक्शन। एक ही मेथड है सॉल्ट्स रिएक्शन जिसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट्स रिएक्शन जो है उसके द्वारा फ्लोरीन के कंपाउंड या फ्लोरीन के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इस जो रिएक्शंस है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं या कौन कौन से कंपाउंड लेके प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक लेते हैं CH3CH2Cl। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट है जो इस रिएक्शन में यूज होते हैं, तो उसमें जो यूज किए जाते हैं वो है AsF3 का यूज किया जा सकता है या फिर SbF3 का यूज किया जा सकता है। इसके बाद AgF का भी यूज किया जा सकता है। जिनके पास फ्लोरीन अवेलेबल होते हैं इन्हें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कहते हैं। ये सभी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है, तो इनके साथ रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इनमें से किसी के भी साथ करके। ओके, जैसे इसके साथ रह के इसके साथ रिएक्शंस करके HG2F2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और प्रोडक्ट आपको पता है यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा, 2CH3CH2F। ओके, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट निकलेगा क्या बनेगा भाई, HG2Cl2, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना देगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ फ्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप का प्रोडक्ट इसमें बना है सॉर्ट्स मेथड के द्वारा। अब सॉर्ट्स मेथड के द्वारा एक और जो है एक और मेथड है, जैसे इसको बोल सकते हैं ये ए दे दिया और एक और दे देते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर की जो रिएक्शंस होता है वो एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है। एग्जांपल देखते हैं इसके साथ रिएक्शंस करके, 2CHCl3 के साथ रिएक्शंस कराएंगे SbF2 की प्रेजेंस में, SbF3 होता है इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे CH F2Cl2, वन बाय वन जो F है वो इसकी जगह रिप्लेस होता जाएगा और एक एक क्लोरीन जो है वो कम होते जाएगा। इसकी वापस से रिएक्शंस कराएं, अच्छा यहाँ पे प्रेजेंस HF के साथ करवाएंगे। यहाँ पे आगे फर्दर ये रिएक्शन आगे बढ़ती है 1070 केल्विन की प्रेजेंस में और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ओके, और साथ में 2HCl बाहर निकल जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट जो रहता है इसी का अपन पोलाइमाइजेशन प्रोसेस करते हैं, बहुलीकरण प्रोसेस करते हैं। तो इसको यदि आप लेते हैं N CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके डबल मॉलिक्यूल से लेते हैं और रिएक्शंस करवाते हैं। ओके, प्रोसेस करते हैं। तो अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है 870 और 1020 केल्विन पे इसके रिएक्शंस करवाएंगे, CF2 डबल बॉन्ड CF2 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। ओके, यहाँ के एन मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है टेफ्लॉन। ओके, इस प्रोडक्ट को कहा जाता है टेफ्लॉन। ये प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है टेफ्लॉन का, जो फॉर्मेशन होता है
वो क्लोरोफॉर्म के द्वारा वन बाय वन स्टेप में क्लियर होते जाता है, और ये इसका मोनोमर यूनिट हो जाएंगे। और मोनोमर यूनिट की जब आप उसका परमिशंस करते हैं 8701020 केल्विन की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस करवाते जाते हैं, तो उस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो टेफ्लॉन बनता है, जो एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ओके, ये टेफ्लॉन जो है इस मेथड के द्वारा इसका फॉर्मेशन करा है अपन ने। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हुंसडिकर मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हुंसडिकर मेथड। इसका पूरा नाम था बोरोडाइन बोरोडाइन हुंसडिकर। हुंसडिकर एंड सिमोनिनी रिएक्शन। ये मल्टीपल स्टेप में है, जो इस मेथड के द्वारा जो फॉर्मेशन रहता है वो ब्रोमीन के प्रोडक्ट बनते हैं, और इसके बहुत सारे मल्टीपल रिएक्शंस भी है। चलिए देखते हैं इस रिएक्शंस में क्या क्या होता है और कितने प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। ओके, चलिए इसके एग्जांपल या इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं, या फिर ये होती क्या है, इसमें क्या होता है। तो इसके Br2CCl4 के साथ रिएक्शंस करके इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, और इसमें ब्रोमीन के प्रोडक्ट बनते हैं। तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिया PHCOOH। ओके, ये एग्जांपल दिया, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं दो दो केसेस में। दो केसेस में कौन कौन से केस है तो देखते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे डिफरेंट केसेस मिले, एक यहाँ से रिएक्शंस कराएंगे, एक जगह अपन रिएक्शंस कराएंगे Ag2O के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, और दूसरा जो PbO के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, PbO के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। दो डिफरेंट है, इसीलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए जब इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ पे ये Ag जो है इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा H की जगह पर, और इस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनेगा COOAg बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो Pb की जो वैलेंस रहती है दो रहती है, इसीलिए इसकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्वाइस प्रोडक्ट बनाता है, COO-, और ये पूरे के दो प्रोडक्ट मिलके Pb बना देता है। ओके, और ये दोनों के साथ जब अपने दो यदि इन दोनों की रिएक्शंस करवाते हैं, किसके साथ इन दोनों की रिएक्शंस करवाते हैं, Br2CCl4 के साथ, दोनों के साथ सिमिलर रिएक्शन यूज करेंगे। Br2CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो दोनों केस में सिमिलरली प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे PH। सिमिलरली यहाँ भी इसी टाइप से यहाँ पे PH और यहाँ पे Br आ जाएगा। ओके, और जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 और AgBr बनाएगा, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट में निकलेगा। एक जो Br है, एक Br Ag के साथ जुड़ के AgBr बनाएगा, और एक Br जो इसका जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, और यहाँ से बचा क्या, CO2। CO2 जो है यहाँ पे इस स्टेप से बाहर निकल गया है। सिमिलरली जब रिएक्शन PbO के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो Br है इसके साथ जुड़ के Br2 बना देगा, Br2 प्रोडक्ट बनाएगा और CO2 बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो ये जो रिएक्शंस है इसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करवा के प्रोडक्ट बनाया जाता है इसमें। अब यहाँ पे सवाल ये रहता है कि जो यील्ड रहती है किसकी ज़्यादा मिलेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की मिले, तो आपको यहाँ पे इनका इनका यील्ड के बारे में पता होना चाहिए।
ओके, तो यील्ड ऑफ हैलाइड, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हैलाइड का, इसमें किसके प्रोडक्ट की यील्ड मैक्सिमम होती है? तो याद रहे इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये यील्ड का इसमें सीक्वेंस रहता है। और इसमें क्लोरीन भी यूज़ किया जा सकता है, अपने को इसमें पता होना चाहिए। यदि इसमें आयोडीन, इसमें इस मेथड के द्वारा जो ये मेथड बनाए हैं, इस मेथड के द्वारा आयोडीन डज नॉट फॉर्म, ओके, जो एल्किल आयोडाइड है वो इस मेथड के द्वारा इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आयोडीन के साथ रिएक्शंस करके इसके ब्रोमाइड का प्रोडक्ट इसमें नहीं होगा। अपने को इस टाइप का या इस चीज़ को नोट करने वाली बात होती है, जिसको अपन आईएमपी पॉइंट बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। यहाँ पर एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की जितनी मेथड से यहाँ पे सभी क्लियर हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जब भी आएगा, तो उसके लिए 2 रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, उसका प्रोडक्ट बनाइएगा। ओके, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, इनके आंसर्स बनाना है आपको। एक रिएक्शन से ये है, और एक और रिएक्शन दे रहा हूँ आपको जो इनके आंसर बनाना है। इसके बाद जब भी इसकी रिएक्शंस आएगा या जब भी इसका वीडियो आएगा, आपको इसका आंसर्स बना के रखना है, ओके। तो ये 2 रिएक्शंस है आपको दिए हैं, आपको इनके आंसर्स निकालना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।